विचार करिए, सोनिया जी दोबारा विचार करिए, डॉक्टर राम वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, डॉक्टर राम वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, डॉक्टर राम वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, डॉक्टर राम मुर्दाबाद, 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 डॉक्टर राम मुर्दाबाद, 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 डॉक्टर राम वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, डॉक्टर राम फर्जी कांग्रेसी है, उधर जाइए, कांग्रेसी है, फर्जी कांग्रेसी है। मेरा नाम कुसुम तिवारी है, मैं जिला कांग्रेस कमेटी की उपाध्यक्ष हूँ। हम लोग जिला कांग्रेस कार्यालय पर हमने कोई कांग्रेस का विरोध नहीं किया है, हमने कांग्रेस के इस गलत निर्णय का, जो कि उनको गुमराह करके ये निर्णय लिवाया गया है, चंद दलाल किस्म के लोगों ने ये काम किया है, हमने उसका विरोध किया है। कहा जाता है कि लड़की नहीं लड़ सकते, उस तरह का स्लोगन देकर आगे बढ़ाया गया, महिलाओं को ज्यादा वरीयता दी जा रही है। दुख की बात तो यही है कि जब से लड़की हूँ लड़ सकती हूँ की बात आई है, तब से जो है दलाल पीसीसी में घूमने लगे हैं और अपनी दलाली करते हुए, धोखाधड़ी करते हुए, गलत काम करते हुए और जा करके शीर्ष नेतृत्व को गुमराह किया है। गुमराह करने के बाद यहाँ का टिकट सबको काट करके दिया गया है, ताकि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ मैं भी न लड़ूं, और जितने प्रत्याशी हमारे साथ मेहनत कर रहे थे, 15 प्रत्याशी, उनमें से किसी को भी टिकट न मिले, यहाँ की लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कि लड़ाई ही खत्म हो जाए। इनके बारे में मैं कल शाम से लेकर दोपहर से लेकर के मतलब 24 घंटा भी नहीं हुआ और हमें पूरी बात पता चल गई। ये यहाँ के रहने वाले भी नहीं हैं, ये वहाँ पर करंडा और नारी परदेवरा के बीच में कोई गाँव है, वहाँ पर भी चोरी वोरी करके भागे हैं, उनके भाई भी उनको पसंद नहीं करते हैं। अगर उनको टिकट मिलता है तो खुद अपने भाई का वोट नहीं पाएंगे। बनारस के निवासी हैं, उनका आधार कार्ड, उनका निर्वाचन आईडी भी बनारस का है। जो प्रत्याशी अपना ही वोट नहीं दे सकता है वो कैसे चुनाव लड़ सकता है। रही बात सपा की, तो सपा में उन्होंने धर्म के बारे में गलत बयान दिया था, जिसके कारण अखिलेश जी ने तत्काल प्रभाव से उनको हटाया गया था। दुख हमें इस बात की है कि ऐसे लोगों को जो कोई पार्टियाँ नहीं पूछ रही हैं, उनको कांग्रेस में इस तरह का बड़ा निर्णय लिया जा रहा है और बड़ा पद दिया जा रहा है और चुनाव का प्रत्याशी घोषित करा जा रहा है, जबकि कांग्रेस का ग्राफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। इससे कांग्रेस का बहुत नुकसान होगा। आज यह जो निर्णय हुआ है, 2022 का चुनाव आप बहुत गंभीरता से लड़ने जा रहे हैं, 2024 आपके आगे है। ये लौटन राम निषाद 15 दिन पहले VIP पार्टी से 15-20 लाख रुपया का घोटाला करके निकले हैं। उससे पहले समाजवादी पार्टी में थे, उससे पहले निषाद आर्मी में थे, और 2007 में जिले का 4 टिकट इन्होंने राहुल जी को छल करके लिया था और 2-2 हज़ार, 2,500-2,500 वोट मिले थे। आज स्थिति ये है कि कांग्रेस के जो वर्कर जिन्होंने आवेदन किया है, जिसमें यहाँ से 15 लोग हैं, वो 2 साल से लगातार चल रहे हैं, संगठन के सारे निर्देशों का पालन कर रहे हैं। लेकिन आप ये, हम ये कहना चाहते हैं कि प्रियंका जी, राहुल जी, ये कांग्रेस आपकी जितनी है, आप मैसेज कैरियर हैं और हम लोग ग्रास रूट वर्कर हैं। जब 403 सीटों में आप अपने वर्कर को संतुष्ट नहीं कर पाइएगा, लौटन राम घोटन राम लोग जैसे जाएंगे आएंगे, आप कोई वादा नहीं पूरा कर रहे हैं। आपने कहा कि एक व्यक्ति एक पद, संगठन का कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, और संगठन का कोई चुनाव लड़ेगा अगर तो उसको प्रत्याशी नहीं, उसके पद को उसके दूसरे में दे दिया गया। यहाँ अध्यक्ष इस भावना के साथ हम लोगों ने बनवाया कि दलित समाज एकत्रित होगा, 5 साल एक अध्यक्ष रहेगा, लेकिन जितनी मेहनत हम लोगों ने दलितों को जोड़ने में किया, ये इंजीनियर मुकेश जी है, अगर आज जिला अध्यक्ष को प्रत्याशी बनाया गया है तो संगठन का पद तत्काल किसी दलित को दिया जाना चाहिए। ये कांग्रेस के वर्कर हैं, ये दलित वर्कर हैं, हम सबसे पहले स्वागत किए थे, हमारे जिला अध्यक्ष को प्रत्याशी बनाया गया था। क्यों? क्योंकि वह कांग्रेस का सही निर्णय है। लेकिन कांग्रेस से दलितों को जोड़े रखने के लिए आवश्यक है कि अध्यक्ष पद का सम्मान तत्काल किसी दलित को दे दिया जाए। आप कहते हैं कि कार्यकर्ता अपने बल पर लड़ेगा, ये 15 कार्यकर्ता महिला की बात करती हैं आप, लड़की हूं लड़ सकती हूं, ये मर जाएंगी तब लड़ेंगी क्या? कुसुम तिवारी जी, पिछले 20 वर्षों से कोई दाग नहीं, हम लोग किसी दल में नहीं गए कभी, बहुत बहुत विनम्रता के साथ लल्लू जी से, प्रियंका जी से, राहुल जी से, बाजीराव खाड़े से, जिन लोगों ने इस जमीन पर हम लोगों के साथ काम किया है, हम लोग कांग्रेस के वर्कर है। या तो इस कांग्रेस को पूरी तरह से खत्म कर देने का दुष्चक्र है,
जिसमें लोग सफल हो रहे हैं, या तो नेतृत्व तक पूरी बात नहीं पहुंचाई जा रही है। हम कोई बगावत पार्टी से नहीं कर रहे हैं, लेकिन कौन आखिर विरोध करेगा, कौन अगर हम नहीं करेंगे विरोध। पिछले 30 साल से अपने बचपन से लेकर पूरी जवानी कपा दिया इस कांग्रेस में। संतू जी को टिकट मिले, कुसुम तिवारी जी को मिले, जो वर्कर है उसको मिले, ये लोटन राम चुनाव लड़के कहाँ है लोटन राम? इतना बूथ का कार्यक्रम हुआ है, सदस्यता अभियान हुआ है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ अभियान हुआ है, ये लोटन राम कहाँ थे? और आज भी लोटन राम पीसीसी में है कि मुझे पैसा मिल जाए, मुझे गाड़ी मिल जाए। अगर ये कांग्रेस बनाने निकले हैं तो ऐसे लोग कांग्रेस बनाने की बात नहीं कर रहे। कांग्रेस यहीं से बनेगी और हम लोग कहीं कांग्रेस छोड़ के जाने वाले भी नहीं है। हमारी मांगे हैं कि यहाँ से प्रत्याशी बदला जाए। अगर कांग्रेस सचमुच जो कह रही है वो करना चाहती है तो यहाँ से कांग्रेस का प्रत्याशी बदल दिया जाए और 2-3 महिलाओं सहित जो 13-14 लोग हैं उनमें से किसी को प्रत्याशी बना दिया जाए। कोई उस पर विवाद नहीं है। दूसरा, एक व्यक्ति एक पद के दल का सिद्धांत का पालन हो। अगर किसी दल महत्वपूर्ण पद पर बैठे व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया गया है तो उसके स्थान पर तत्काल किसी कांग्रेस के डिवोटेड पर्सन को, किसी कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता को अध्यक्ष बनाया जाए। इतना बड़ा निर्णय कैसे लिया गया कांग्रेस में? इतना बड़ा निर्णय प्रियंका जी को गुमराह करके लिया गया, प्रियंका जी को गलत फिगर प्रस्तुत करके लिया गया,